वेलकम बैक गाइस, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नोक्रैम टैबलेट के बारे में। तो पहले मैं आपको इसकी कंपनी के बारे में बताऊंगा, फिर इसके प्राइस रेट के बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बताऊंगा, इसका कॉम्पोजिशन कैसे हीलिंग में मदद करता है और शरीर में कैसे वर्क करता है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, फिर इसको आपने कैसे यूज़ करना है और उसकी सही डोज कितनी होनी चाहिए ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइज आप देख रहे हैं नोक्रैम टैबलेट। कंपनी की बात करें तो इसे मेडिजेनेसिस लाइफ साइंस कंपनी बनाती है। बात करें इसके प्राइस रेट की तो 99 रुपीज़ की आपको 10 टैबलेट्स मिलती हैं। वहीं इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर आपको मैग्नीशियम बेस क्लाइसिनेट 360 mg मिलता है। आगे बात करें इसके यूजेस की तो इसका यूज़ मैग्नीशियम की कमी मतलब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए किया जाता है, और कुछ सिम्टम्स भी हैं जिनके आधार पर इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है जो कि मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो के साथ आप बने रहें। तो गाइस मैग्नीशियम बिस्क्लाइसनेट क्या है और हमारे शरीर के लिए इतना ज़रूरी क्यों है ये भी हम फटाफट जान लेते हैं। तो गाइस मैग्नीशियम बिस्क्लाइसनेट एक ज़रूरी तत्व है हमारे शरीर में प्रोटीन और फैटी एसिड बनने के लिए, साथ ही हेल्थी बोन और टीथ की फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी है। अगर किसी भी व्यक्ति को बारी बारी क्रैम्प्स पड़ती हो या वो थकान महसूस करता हो तब भी इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। साथ ही स्ट्रेस के समय होने वाले माइग्रेन के पेन को दूर करने के लिए भी इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेस के समय मसल्स और नर्व को रिलैक्स कर देता है जिससे माइग्रेन का पेन दूर हो जाता है। ये हमारे शरीर में सेल नर्व मसल्स बोन और हार्ट के नॉर्मल फंक्शन करने के लिए भी ज़रूरी होता है, और ये हमारे शरीर में 300 ज़्यादा रिएक्शन इसी के कारण होती हैं जिसमें एक अहम भूमिका निभाता है। ये हमारे दिल और दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में भी एक अहम भूमिका निभाता है। तो गाइज आगे बात करते हैं कि मैग्नीशियम की कमी क्यों होती है। तो गाइज मैग्नीशियम की कमी के दो बड़े कारण हैं। पहला है अनप्रॉपर डाइट जिसमें मैग्नीशियम एक पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, और दूसरा कारण है मैग्नीशियम का कम एब्जॉर्प्शन। हम मैग्नीशियम लेते तो हैं लेकिन उसका शरीर में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, जिसके मुख्यतः पांच कारण हैं। तो गाइज मैं ये पांच कारण भी आपको बता देता हूँ जिसके कारण मैग्नीशियम की कमी होती है हमारे शरीर में। तो गाइज सबसे बड़ा कारण है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अगर आप एसिडिटी या गैस और तेजाब का जो कैप्सूल होता है जैसे पेंटापेराजोल, रैबिपेराजोल, ओमेप्राजोल, जिसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बोलते हैं मेडिकल लाइन में, अगर इस कैप्सूल को, इस मेडिसिन को आप काफ़ी लंबे समय से ले रहे हैं तो ये HCl का बनना बंद कर देता है। यही HCl मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन में एक अहम भूमिका निभाता है। आगे दूसरा बड़ा कारण है स्लीप। अगर आप पर्याप्त मात्रा में नहीं सो रहे तब भी हमारे शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन एक पूरी तरह से नहीं हो पाता। तीसरा बड़ा कारण है शुगर। अगर आप अधिक मात्रा में शुगर को कंज्यूम करते हैं तब भी हमारे शरीर में मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। चौथा कारण है स्ट्रेस। अगर आप ज़्यादा तनाव में रहते हैं तब भी हमारे शरीर में मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। और पाँचवा कारण है डायुरेटिक ड्रग्स। अगर आप किसी भी तरह की कोई डायुरेटिक ड्रग ले रहे हैं जैसे डाइटोर या लासिक्स तब भी मैग्नीशियम हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो आगे हम सिम्टम्स को भी जान लेते हैं कि वो कौन से सिम्टम्स हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है। पहला है गाइज नींद का ना आना, दूसरा है स्ट्रेस, आप तनाव में भी रह सकते हैं, तीसरा है दिल का फ्लक्चुएट करना, आपको लगेगा कि आपका दिल जोरों से धड़क रहा है, वो फ्लक्चुएट कर रहा है। आगे जो आपकी आर्टरीज हैं, मैं वेंस को नहीं बोल रहा, आर्टरी को बोल रहा हूँ, जो अच्छा खून लेके जाती हैं उनका हार्ड हो जाना, वो सख्त हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर भी एक संकेत है कि आपके अंदर मैग्नीशियम की कमी है। ऑस्टियोपोरोसिस या कब्जी या आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है, आपको ब्लड शुगर की भी दिक्कत हो सकती है। तो गाइज ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनके आधार पर आप जान सकते हैं कि आपको मैग्नीशियम की कमी हुई है। तो अगर आपको लगता है कि आपको मैग्नीशियम की कमी है तो गाइज आप ब्लड का टेस्ट ना कराएं, क्योंकि ब्लड में 2% ही मैग्नीशियम होती है।
अगर आप किसी प्रकार का टेस्ट कराना चाहते हैं तो आप सेल का या यूरिन का टेस्ट करा सकते हैं, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं। तो हम टैबलेट भी देख लेते हैं कि टैबलेट किस तरह की दिखेगी आपको खोलने पर। तो गाइज देखिए, ये जो टैबलेट है ये आपको कुछ इस प्रकार की मिलती है खोलने पर। ओके गाइज, तो आगे बात कर लेते हैं कि आपने इस टैबलेट को कैसे लेना है। तो गाइज इस टैबलेट को आप किसी फैटी चीज़ के साथ लें जिसके अंदर वसा हो, जैसे दूध। आप दूध के साथ इस टैबलेट को कंज्यूम कर सकते हैं। साथ ही अगर विटामिन B6 आप लेते हैं तो इसका ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा आपके शरीर में। बात करें इसकी डोसेज की, तो सामान्यतः इस टैबलेट को आप दिन में एक बार लें। अगर आपके शरीर में ज़्यादा मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो तो आप इस टैबलेट को दो बार भी ले सकते हैं। आगे बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स इस टैबलेट से रिगार्डिंग नहीं देखे गए, लेकिन इन्हीं गिनी पेशेंटों में लूज मोशन, नोजिया, वोमिटिंग के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं, जो कि समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो नोक्रेम टैबलेट के ऊपर। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी तरह का आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके दे सकते हैं। ओके, तो गाइज आज की हमारी वीडियो थी नोक्रेम टैबलेट के ऊपर, और आशा करता हूँ कि आपके लिए ये टॉपिक काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। तो गाइज़ ऐसे ही यूज़फुल टॉपिक्स और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइज़ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।